नागपुर में स्पेन से यात्रा कर लौटी 47 वर्षीय महिला कोविड पॉजिटिव आई है। उनका नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। अब तक विदेश से लौटे 4 यात्रियों में कोविड की पुष्टि हुई है। वहीं नागपुर के पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज की रिपोर्ट आज निगेटिव आई है। मंगलवार को 4 नए और पॉजिटिव पाए गए। स्पेन से लौटी महिला संक्रमित को एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। महिला 6 दिसंबर को नागपुर लौटी। 11 दिसंबर को उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मनपा स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें एम्स में भर्ती कराया। नागपुर जिला में पिछले 24 घंटे में 4,049 नमूनों की जांच की गई। इनमें शहर के 2,765 में से 3 तथा ग्रामीण के 1,284 में से 1 नमूना पॉजिटिव आया। जिले में अब तक कुल 4,93,724 संक्रमित मिले। बताया जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 2 दर्जन के करीब नमूने भेजे गए हैं। इनमें से केवल 1 नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है। शेष की रिपोर्ट आनी बाकी है। स्पेन की महिला की रिपोर्ट भी सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। राम जोशी ने कहा कि जल्द ही संबंधित नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। वहीं नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील उन्होंने करते हुए कोरोना के नियमों का पालन करने का आह्वान किया है।